हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी के पोस्ट किए गए एक वीडियो पर चुनाव आयोग ने बीजेपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी की हरियाणा इकाई ने ये वीडियो 27 अक्टूबर को ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल पर शेयर किया था। इस कैंपेन वीडियो में एक बच्चे का इस्तेमाल किया गया है जो ACI की गाइडलाइंस के खिलाफ है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी एक्टिविटी में बच्चों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाती है। अब चुनाव आयोग ने बीजेपी हरियाणा नाम के हैंडल के अभियान वीडियो में एक बच्चे का उपयोग करते हुए एक्स पर एक पोस्ट डालने को गंभीरता से ले लिया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने और 29 अगस्त शाम 6 बजे तक अपना जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव प्रचार से जुड़ा जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें एक बच्चा हरियाणा में अब की बार सैनी सरकार का नारा लगा रहा है। बच्चा कहता है अब की बार हरियाणा में सैनी सरकार, जय हिंद। इसके बाद बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए सेल्फी लेते हुए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी दिख रहे हैं। इस तरह से वीडियो आगे चलता है। वीडियो 36 सेकंड का है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है बच्चे बच्चे की यही पुकार अब की बार नायाब सरकार। इस वीडियो के रिप्लाई में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा के आधिकारिक हैंडल से लिखा गया कृपया कोई सबूत लेकर आए, जगह का नाम कहा और किसके बच्चे का इस्तेमाल इलेक्शन पर्पस के लिए किया जा रहा है। खैर बीजेपी की तरफ से ये वीडियो अभी तक हटाया नहीं गया है। इस पर 29 अगस्त तक 16,000 से ज्यादा व्यूज भी हो गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों के इस्तेमाल करने को लेकर चुनाव आयोग के सख्त नियम हैं। चलिए आपको बताते हैं। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम के तहत चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक राजनीतिक दलों को चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधियों जैसे रैलियां, नारे लगाने या पोस्टर बांटने में बच्चों को शामिल करने पर सख्त प्रतिबंध है। राजनेता और उम्मीदवारों को किसी भी रूप में अभियान गतिविधियों में बच्चों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है जिसमें बच्चे को गोद में उठाना, वाहन में ले जाना या रैलियों में उन्हें शामिल करना शामिल है। कविताओं, गीतों, बोले गए शब्दों या राजनीतिक प्रतीक चिन्हों के माध्यम से किसी राजनीतिक अभियान के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने पर सख्त मनाही है। बच्चों के जरिए किसी राजनीतिक दल की उपलब्धियों का प्रचार करना या विरोधियों की आलोचना करना भी प्रतिबंधित है। हालांकि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता या गार्जियन के साथ किसी राजनीतिक नेता के साथ है और किसी भी अभियान गतिविधि में शामिल नहीं है तो इसे दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बता दें इस महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग ने 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा के लिए चुनाव का ऐलान किया था। यहाँ 1 अक्टूबर को मतदान होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे जिसे लेकर राजनीतिक दल चुनाव तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि फरवरी में ही चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि वो चुनाव से जुड़े कार्यों और अभियान गतिविधियों में बच्चों के उपयोग पर जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अध्यक्ष चुनाव आयोग के नोटिस का क्या जवाब देते हैं और चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।